हाय एवरीवन, हमारे साथ हैं नम्रता नाथ एंड जिन्होंने जीता है मिस नेशनल ब्रांड एम्बेसडर का खिताब, और ये सर का ताज जो इनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं नम्रता, ये जर्नी की शुरुआत जो तुमने की इस ब्यूटी पेजेंट में आने का, जो पहला कदम था ना कि मुझे इस ब्यूटी पेजेंट में जाना है, इसमें अपना खिताब को हासिल करके लेकर आना है, वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? तो जैसे कि हर एक इंडियन लेडी को ना, एक जब से एक लड़की जन्मती है जी, तो उनके जन्म के बाद ही दे ऑल वांट अ वन क्राउन ना, दे ऑल वांट टू हैव दैट प्रिंसेस वाली फीलिंग। सो वंस आई वाज बॉर्न, मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया वॉच सुष्मिता सेन, वो वाली फीलिंग ना, हाउ टू बी अ लेडी, हाउ टू हैव द क्राउन। सो दैट वॉज इन माई ब्लड। My mom is also into this kind of medias, okay. So she wanted me to win it, to prove it, that I can also have it. Mm. And so here I am, and my registration started since the beginning of the year. तब से चालू हो गई मेरी processing with the FSIA team, and here I am. Lovely. So नम्रता की journey day one से शुरू हुई। मैं आप सबको बताना चाहूँगी day one से जो contestant virtual platform पे सामने आए वो थे 10,000। उसके बाद इन लोगों को कितना tough task मिला होगा पूरी team को, फिर वो कंटेस्टेंट रहे 5,000, और आज जो यहाँ पे ऑन लाइव आप लोगों को यहाँ पे लाइव प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे हैं वो है 250 रॉक स्टार्स, जिनमें से एक नम्रता नाथ है जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का खिताब जीता है। तो इन्होंने तो बताया कि मम्मी से जानने का, सीखने का मौका मिला कि जब से आपने जन्म लिया है तब से लेकर जब तक आप काम करते जा रहे हैं तब तक आप कुछ ऐसा काम करें जब कि दुनिया आपको जाने। चलिए और आगे जानते हैं, मम्मी की बात तो आपने मान ली, लेकिन आज जो ब्रांड एम्बेसडर का ये ताज आपके सर पे है, जब आप घर जाएंगी मम्मी को ये ताज पहनाएंगी तो कैसा ये फील होगा? स्पीचलेस, एक ही वर्ड। हाँ, वो खुशी के आंसू, जिस जो सपने जिंदगी भर देखे हैं उसे पूरे होते हुए देखते हुए, उसे फील करते हुए, उस मोमेंट को जीते हुए, जो एक्साइटमेंट, जो फीलिंग्स होती है ना, वो सारे मम्मी के आंख से तो आंसू निकल जाएंगे कि फाइनली आई हैव केप्ट अ वर्ड, आई हैव मेड इट पॉसिबल टू मेक इट अप टू द नेशनल्स एंड विन इट, उनका सपना पूरा हुआ। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? आई कुड प्रूव टू एवरीवन ना, आई द पीपल हु डाउटेड मी, स्पेसिफिकली वो टीचर्स, माई ट्रेनर्स, माई मेंटर्स हु हैड फेथ इन मी, दे ऑलवेज वॉन्टेड टू सी मी विन इट बिकॉज दे न्यू आई कुड, एंड सो आई वॉन इट एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट। सो जिन्होंने शक किया इनके इस खूबसूरती पे, या यूँ कह लिया जाए कि कई बार लोग आपको, मतलब आगे जाने के लिए आप खुद बने हो, खुद को आगे जाना है, लोग आपको पीछे खींचने के लिए खड़े हैं वहाँ पे कि आप पीछे आ जाओ। सो नम्रता ने अपने आप को एकदम पॉलिश किया, एफसीआई ने उन्हें एक हाथ थामा और आगे उनकी जर्नी को इतना खूबसूरत बनाया। तो आई एम श्योर कि नम्रता की जर्नी अब रुकने वाली नहीं है, ये खिताब जीतने की खुशी तो बहुत अमेजिंग होगी, लेकिन अगला क्वेश्चन भी खुशी ही पूछने वाली है। सो हाय नम्रता, कैसा लग रहा है आपको ये इतना बड़ा खिताब जीतकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पूरे एफसीआई को, टीम को, उन सारे टीचर्स को जिन्होंने हमें स्टार्टिंग से ग्रूम किया है, उन मतलब हम लोग रात को 12 बजे भी इफ़ वी टेक्स्ट देम एंड वी आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि सारा सेशन वर्चुअली था जैसे कि पता है, करेक्ट। सो ड्यूरिंग दैट वर्चुअल सेशन ऑल द ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, सो जब भी हम रात को 1 बजे तक भी ना वी आस्क कि कैसे क्या करना है, प्लीज़ गाइड अस, देयर वाज सो मच अवेलेबल एंड देयर वाज सो मच फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द ट्रेनर्स, ओके, एंड द जो जीतने की खुशी में कैसे समझाओ, आई एम सो एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक एंड सो हैप्पी कि फाइनली आई गॉट इट, आई होप आई कैन एक्सप्लेन। वो उनके ब्लश से पता लग रहा है कि वो कितनी खुश है, कितनी खुश है, और जब मम्मी को जाके ताज पहनाएंगी अपने या यूँ कह लिया जाए, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि मैं जीतूंगी कहीं जाके, कुछ बनूंगी। सो आज नम्रता ने वो तो खिताब हासिल कर लिया, और वो लोगों के बड़ा टेप मुंह पे लगा दिया है कि नहीं भाई, तुम बोलने वाले कोई नहीं होते, हम यहाँ बैठे हैं। सो नम्रता, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन वॉन्स अगैन एंड विश यू ऑल द लक फॉर द फ्यूचर। माँ जितनी बार बोले ना कि नम्रता उसमें ट्राई करो, यहाँ तुम जीत के आओगी, वो ज़रूर करना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।